आगरा में बदमाशों ने व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। भाई के साथ एक्टिवा से घर वापस लौटते समय मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान व्यापारी की हुई मौत। बाइक सवार दो बदमाश घटना को अंजाम देकर हुए फरार। घर के पास व्यापारी ललित कंठपाल से लूट के प्रयास में मारी गोली। थाना कमलानगर क्षेत्र के रश्मि नगर की घटना। आगरा में लॉकडाउन खोलने के साथ ही क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। थाना कमलानगर के रश्मि नगर क्षेत्र में देर शाम बदमाशों ने सरेआम व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यापारी से बदमाशों ने थैला लूटने का प्रयास किया था, जिसके बाद बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। आपको बता दें कि गटिया आजम खां पर रिक्शे के व्यापारी ललित कंठपाल को उस समय गोली मार दी जब वह एक्टिवा से अपने भाई रिंकू के साथ घर लौट रहे थे। तभी घर से करीब 150 मीटर पहले ही बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनके हाथ में लगा थैला लूटने का प्रयास किया। इसके बाद बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। बदमाशों ने जिस थैले को लूटने का प्रयास किया, उस थैले में खाने का टिप्पे रखा हुआ था। आनंद फानन में व्यापारी को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने व्यापारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ललित नाम के व्यक्ति, उनको यहां गोली मार दी है, जिनकी इलाज के दौरान जो है हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और टीमें लगा दी गई हैं और यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। इस घटना का जो है पूरा डिटेल लेते हुए अनावरण किया जा रहा है। हर एक तरह के जो व्यवसाय से या परिवार से संबंधित हर एक बात को हम लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। कि जब ये अपने कॉलोनी में आ रहे थे, यहाँ पे कुछ दो तीन लड़के थे जिन्होंने उनको रोका। पास जो बैग था जिसमें दो टिफिन थी, वो छीनने की प्रयास किए और जाते समय गोली मारकर चले गए। ठीक है।